कमजोर दिल वाले आईपीएल से दूर रहे दोस्तों, क्योंकि ऐसा मुकाबला आज खेला गया जो आईपीएल 2022 में अभी तक नहीं खेला गया था। आखिरी ओवर में 21 रनों की जरूरत थी कोलकाता नाइट राइडर को, लेकिन अंतिम ओवर की अंतिम गेंद तक किसी को नहीं पता चल रहा होता है कि कौन सी टीम जीत पाएगी। कोलकाता की तरफ से नरेन और रिंकू सिंह मैदान पर मौजूद होते हैं, वहीं लखनऊ की तरफ से आखिरी ओवर लेके आते हैं मार्कस स्टोइनिस। पहली गेंद पे शानदार चौका जड़ देते हैं और अब यहां से 5 बॉल में 17 रन की जरूरत होती है। दूसरी गेंद पर भी रिंकू सिंह अपना कमाल दिखाते हैं और लंबा छक्का जड़ देते हैं और अब यहां से दोस्तों 4 बॉल में 11 रन की जरूरत होती है और यही कारनामा वो तीसरी गेंद पर भी दोहराते हैं दोस्तों और तीसरी गेंद पर भी छक्का जड़ देते हैं और अब मुकाबला बिल्कुल पलटता हुआ दिखता है। 3 बॉल में 5 रन की जरूरत होती है। चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हैं लेकिन केवल 2 रन ही आ पाता है, लेकिन 5वीं गेंद पर दोस्तों यहां पे मुकाबला पलटता हुआ नजर आता है क्योंकि आउट हो जाते हैं रिंकू सिंह और आखिरी गेंद पर मुकाबला चले जाता है जहां 3 रन की जरूरत होती है। उमेश यादव नए बल्लेबाज आते हैं और शानदार यॉर्कर के जरिए मार्कस स्टोइनिस बोल्ड कर देते हैं उन्हें और यहां से बेहद नजदीक जाके यह मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर 2 रन से हार जाती है।